सेवन यूपी नेवल यूनिट एनसीसी द्वारा बीएचओ स्थित परिसर में कैंप फायर आयोजित हुआ। सेवन यूपी नेवल यूनिट एनसीसी की ओर से बीएचओ स्थित सेवन यूपी नेवल यूनिट परिसर में कैंप फायर का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि भोजपुरी गायक व दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी, विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल और सनबीम समूह के अध्यक्ष दीपक मधोक ने किया। इस मौके पर प्रयागराज से वाराणसी तक नौकायन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया गया। इस दौरान अतिथियों ने कैडेट्स का हौसला बढ़ाया और कहा कि आप सभी देश के वीर सैनिक हैं, आप पर देश को नाज है। कैडेट्स की ओर से रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर मेजर जनरल विक्रम कुमार, ब्रिगेडियर कुलविंदर सिंह सहित एनसीसी के आला अधिकारी की उपस्थिति रही। वहीं आए हुए अतिथियों का स्वागत सेवन यूपी नेवल के यूनिट के कमांडर राहुल मिश्रा ने किया। आज वाराणसी के बीएचयू में एनसीसी सेवन यूपी नेवल के बच्चों के द्वारा 11 बच्चियां जो कैडर हैं वह बच्चियों का एक कार्यक्रम हुआ कैंप फायर का। उसके माध्यम से बच्चियां गुवाहाटी से बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, बनारस, प्रयागराज होते हुए दिल्ली जा रही हैं। यह महिलाओं का सशक्तिकरण का एक संदेश है कि बेटियाँ बेटे से कम नहीं है, बेटियाँ देश का अभिमान है। सेकेंड कार्यक्रम इस कैंप में और हुआ है कि प्रयागराज से काशी नौका के माध्यम से यह कैडर वहाँ चला है और जहाँ पर 10 गांवों में इन्होंने कैंप करते हुए जो गंगा किनारे लोग हैं, जो कि थोड़ा शहर से दूर हैं, उनको समझाते हैं कि तुम्हारा जीवन में करियर क्या है और क्या बनने के लिए क्या पढ़ना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि बच्चों के मन में आया कि हमको डॉक्टर बनना है, लेकिन उनको ज्ञान न होने के कारण चले जाते हैं कॉमर्स में, चले जाते हैं तो कॉमर्स चले गए, आगे लगता है कि हमको डॉक्टर बनना था। तो उन बच्चों को एक अवेयरनेस का अच्छा कार्यक्रम किया उन्होंने कि गांव में ये समझाते हुए कि तुम्हें जीवन बनना क्या है, उस बनने के लिए पढ़ना क्या पड़ेगा, कहाँ तैयारी होती है। बहुत शानदार इनका एक प्रयास रहा है समाज में अवेयरनेस के लिए। पूरे एनसीसी कैडर को शुभकामना है, जो सेवन अप नवल जो बीएचयू एनसीसी का है, शुभकामना है, शानदार उन्होंने प्रणाम किया आज कैंप फायर का। आप लोग साइक्लोथॉन में आप लोग पार्टिसिपेट कर रही हैं और कितना इसको लेकर उत्साह है और कितनी बड़ी चुनौती इसको देख रही है, कितना लंबा सफर आप लोग को तय करना है? एक्चुअली ये इवेंट मेगा साइक्लोथॉन इवेंट है, ये 2107 किलोमीटर की एक मेगा साइक्लोथॉन साइकिल मैराथन है जो कि गुवाहाटी से दिल्ली है। इसकी डिस्टेंस है 2107 किलोमीटर्स। हम लोग पीएम रैली जो 26 जनवरी पे होती है उसको अटेंड करेंगे वहाँ पे जाके। इसका मेन मोटो है 75 इयर्स ऑफ एनसीसी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, इसका मेन मोटो है हम लोगों का। खुशी है आप लोग? हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। हम लोग एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑल ओवर वाराणसी ग्रुप ए और यूपी डायरेक्टरेट को ऑन अ नेशनल लेवल। सो 11 गर्ल्स ऑल ओवर 11 गर्ल्स के डेट हैं। क्या है और इसके पीछे का क्या उद्देश्य? ये जो मेगा साइक्लोथॉन जो इवेंट है, ये जो गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, इसको
इसके पहले जो इवेंट्स होते हैं उसके श्रृंखला में ये एक इवेंट है। इस इवेंट में दो साइकिल एक्सपीडिशन किए जा रहे हैं। एक साइकिल एक्सपीडिशन चलेगा कन्याकुमारी से और वो दिल्ली तक आएगा साइकिल एक्सपीडिशन, और दूसरा साइकिल एक्सपीडिशन जो यूपी स्टेट एनसीसी डायरेक्टरेट के अंडर हो रहा है वो है जो ये साइकिल एक्सपीडिशन गुवाहाटी से चल के और 2107 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके ये नई दिल्ली पहुंचेगा। ये एक्सपीडिशन स्टार्ट होगा 24 दिसंबर को और संपन्न होगा 28 जनवरी को। 21 जनवरी के आसपास ये लोग दिल्ली पहुंचेंगे और 28 जनवरी को प्रधानमंत्री रैली के टाइम इनका जो प्रधानमंत्री जी इनसे मिलेंगे और इनसे बात करेंगे। इस साइकिल एक्सपीडिशन के दो मेन जो है संदेश हैं, एक तो देश की अखंडता और एकता का संदेश है कि जब ये बच्चे गुवाहाटी से और दिल्ली तक और कन्याकुमारी से दिल्ली तक साइकिलिंग करेंगे तो ये मैसेज भेजे देंगे कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक और नॉर्थ ईस्ट से लेके गुजरात तक पूरा देश एक है और अखंड है। और साथ ही साथ ये खास बात ये है कि साइकिल एक्सपीडिशन में जो बच्चे हिस्सा ले रहे हैं 11 कैडेट्स जो हिस्सा ले रहे हैं तमाम महिला कैडेट्स हैं, तो साथ ही साथ ये नारी सशक्तिकरण का मैसेज भी साइकिल एक्सपीडिशन के थ्रू दिया जाना है। और ये दो मैसेज देश की अखंडता और एकता का और नारी सशक्तिकरण का जो मैसेज है ये मैसेज इस साइकिल एक्सपीडिशन के थ्रू है। और आप तमाम को बताऊं कि एनसीसी के द्वारा इस मैग्नीट्यूड का जो साइकिल एक्सपीडिशन इवेंट है ये अपने में एक पहल है। लगभग कितने किलोमीटर का ये सफ़र रहेगा और कितने दिन में पूरा किया जाएगा? 2107 किलोमीटर ऑन मैप ये डिस्टेंस है और जब हम इसको एक्चुअली ऑन ग्राउंड करेंगे तो लगभग मान लीजिए 2200 से 2300 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करेंगे। 24 दिसंबर को इनको फ्लैग ऑफ किया जाएगा गुवाहाटी से, सो गुवाहाटी से वेस्ट बंगाल के थ्रू बिहार झारखंड और यूपी स्टेट से होते हुए ये दिल्ली पहुंचेंगे 21 जनवरी तक। और हर दिन इन्होंने 100 से 150 किलोमीटर ये बच्चे साइकिलिंग करेंगे और आप जानते हैं कि उन टाइम में दिसंबर जनवरी में किस टाइप का मौसम होता है, धुंध है, ठंड है, उन तमाम की फिक्र करे बिना जो मौसम को की मार को झेलते हुए ये बच्चे ये सफ़र करेंगे तो एक उपलब्धि होगी। और इनकी इसके लिए बहुत बढ़िया ट्रेनिंग कर्नल अंजन है हमारे जो इस एक्सपीडिशन को लीड करेंगे। कर्नल अंजन यहाँ पे हैं, ये इस एक्सपीडिशन को लीड करेंगे। कर्नल अंजन खुद एक विश्व लेवल पे जो आयरन मैन कॉम्पिटिशन है उसमें हिस्सा ले चुके हैं, अभी अभी साउथ कोरिया में आयरन मैन कॉम्पिटिशन करके आए हैं, तो इनसे बेहतर कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है इस एक्सपीडिशन का। तो कर्नल अंजन साथ में ये 11 लड़कियां जो ज़्यादातर वाराणसी ए ग्रुप के गर्ल कैडेट्स हैं सीनियर विंग की, वो इस एक्सपीडिशन में हिस्सा लेंगे।